हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम डे थ्री पढ़ने वाले क्लास सिक्स का चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, लास्ट डे टू में हमने क्या पढ़ा था, अगर डे थ्री आप देख रहे हो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो और डे वन डे टू नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर डे वन और डे टू का लेक्चर भी देखें। ठीक है, वहाँ पर डे वन में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डे टू में बताया था मैंने आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा और किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू की। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम सीखेंगे कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू की। ठीक है, टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो देखो, कोई भी नंबर है तो उसका हमें चेक करना है यूनिट प्लेस। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन सा नंबर टू से डिवाइड हो सकता है जिसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट है अगर वो 024 02468, अगर यूनिट प्लेस पे ये डिजिट रखी हुई है किसी नंबर में तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 58 है तो 58 का यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 8 है, 8 इसके अंदर अवेलेबल है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 56 है, इसका क्या है, 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, तो यूनिट प्लेस हमें चेक करना है। यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रखी होगी वो 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई अगर एक भी डिजिट हो जाएगी तो ये जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि क्या 55 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको चेक क्या करना है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रखी है वो 5 है, क्या 5 इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 67 है एक नंबर, 67 का यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे क्या है, 7 है, तो 7 इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं है, इसलिए 7 ये 67 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो कैसे चेक करना है, बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी बात करेंगे हम 3 की। ठीक है, अभी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। 3 में क्या है कि जैसे कोई नंबर है यहाँ पे 325, ये नंबर हमने एक ले लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी डिजिट को ऐड करना है। पहले 3 + 2 + 5 कितना हो गया, 3 + 2 = 5 आ गया, 5 × 5 कितना हो गया, 10 आ गया। क्या 10 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। 3 से 10 को डिवाइड करो, 3 × 3 = 9 = 1, 1 रिमाइंडर बचता है, तो 3 से जो है 10 डिवाइड नहीं होता है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो नंबर दिया है उस नंबर की डिजिट को हमें ऐड कर लेना है, और अगर हमारा सम 10 जो आया वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूँ 354 में क्या है, अब इसको ऐड करो आप, 3 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 = 12, क्या 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 × 4 = 12, ये 3 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिंपल रूल है, सारी डिजिट को ऐड कर दो, कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, 3, 2, 5, 6, 9, 7, 8। ठीक है, ये कोई नंबर लिया हमने, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या करना है, 3 + 2 + 5 + 6 + 9 + 7 + 8 कितना हो गया बच्चों, 5 + 5 = 10 + 10 = 16 + 16 = 9 = 25 = 25 + 7 = 32 + 32 + 8 = 40। तो बच्चों देखो, 3 से क्या 40 डिवाइड हो जाता है, देखते हैं करके, 3 से 40 3 = 3 1 0 3 = 9। ठीक है बच्चों, तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 1 बचा, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो कितना भी बड़ा नंबर हो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हुए आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल
देखो इसमें क्या करना है, हमें दो डिजिट पे ध्यान देना है। जो लास्ट वाली जो दो डिजिट होंगी यानी कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस वाली जो डिजिट होगी, जैसे एक नंबर में लेता हूँ 324, तो हमें क्या करना है कि जो दो डिजिट हैं बस उनसे बनाए वो एक नंबर, तो वो नंबर कौन सा बनेगा 24। तो क्या 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 6 जा 24, अगर ये 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है लास्ट की टू डिजिट। तो लास्ट की टू डिजिट से कौन सा नंबर बनता है, जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 324 69 48। ठीक है, ये नंबर हमने कोई लिया। अब इस नंबर के बारे में हम चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लास्ट की दो डिजिट लेंगे, उससे एक नंबर बनाएंगे, 48 आया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 8 4 2 जा 8। तो कितना यहाँ पे जो है ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, लास्ट की दो डिजिट जो है उससे जो बनना हुआ नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अभी बात करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की। सो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 25 30, इसमें क्या है यूनिट प्लेस पे 5 है 0 है, 35 65, इसमें क्या है यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, अभी बात करते हैं हम 6 के डिवीजन की। तो 6 का डिवीजन क्या है, 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 into 3। तो कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है कैसे चेक करते हैं। किसी भी नंबर को, जो भी नंबर आपको दिया हो, मान लेते हैं कि नंबर दे दिया 324। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 324 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, फिर हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने का तरीका, यूनिट प्लेस देखते हैं, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिखा है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है कि यूनिट इन डिजिट्स को ऐड कर दो, 3 2 5 5 4 9 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है हमने चेक कर लिया, वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जैसे मान लो हमें चेक करना है कि 328 छोटा सा नंबर एक ले लेते हैं, 322 हमें चेक करना है मान लो, कि 321 जो है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर होगा 2, लास्ट वाला नंबर क्या हुआ 2 का डबल करो, डबल कितना हो गया 2 का 2 4 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, जो ये बाकी का नंबर जो बचा है 32 में से उस नंबर को डिवाइड माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब जो नंबर बचता है आपको उसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 4 जा 28 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, 355। ठीक है, 355 में क्या है, ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट है उसको डबल कर लो, 5 2 जा 10, और जो नंबर बचता है 35 उसमें से 10 माइनस करो, कितना बचेगा 25। तो क्या 25 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा लेंथी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर 4 डिजिट का नंबर कोई हो जाता है तो क्या होगा, 3 5 6 7। ठीक है, अब ये नंबर है आपको चेक करना है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला नंबर का लिखेंगे, इसका डबल करेंगे, 14 आ गया, 14 जो बचा हुआ नंबर है उसमें से 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 342 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस नंबर को फिर डबल करके लिखेंगे,
तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ नंबर है उसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। उसको डिवाइड करके देख लेंगे, नहीं डिवाइड होता है 2 रिमाइंडर आता है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब फिर 5 डिजिट का नंबर एक देख लेते हैं। अगर नंबर थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा, 65971 अगर ये नंबर है तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें 1 का डबल करना है, 1 इंटू 2 हो गया हमारा 2, तो जो बाकी का नंबर बचा है उसको 2 से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 5956। ठीक है, अब ये 4 डिजिट का नंबर है, अगेन हम इसको 5 इंटू 2 करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना होगा 946। ठीक है, अभी 3 डिजिट का नंबर रह गया, अभी क्या करेंगे इसको डबल करेंगे, 9 इंटू 2 हो गया 18, इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 माइनस 8 6 आ गया, 5 माइनस 1 आ गया 4। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 7 6 या 42, 4 रिमाइंडर बचता है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है बट अगर इसका प्रोसेस याद रखोगे तो ईजी है। उसके बाद बात करते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब देखो 2 में हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 में हम 2 डिजिट देखते हैं और 8 में हम देखेंगे 3 डिजिट्स। ठीक है, सो 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें हम देखेंगे 3 डिजिट्स, जो लास्ट की 3 डिजिट्स है उससे कौन सा नंबर बनता है। अगर वो नंबर 2 से 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ 3256। ठीक है, 3256 की जो 3 ये वाली जो डिजिट है लास्ट की 3 डिजिट, अब उसको देखेंगे हम कि 8 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो 256 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 3 24 16 8 2 16। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर जो लास्ट की 3 डिजिट जो नंबर बनाती है वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या पढ़ रहे थे हम कि नंबर्स को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे मान लो 32596 है, ये कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर दो सब नंबर्स को, ऐड करने के बाद देखो आंसर क्या आता है, 32555101019 25। अब 25 को चेक करो आप कि 9 से डिवाइड हो जाता है क्या, 9 2 18, 7 रिमाइंडर बचा, तो ये नंबर इसके जो डिजिट्स का एडिशन है वो एडिशन करने पे नंबर आता है 25, और 25 9 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, जैसे 3 से डिवीजन चेक करते हैं वैसे ही 9 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं अभी 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे सिंपल है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 1 2 5 6 0 है, तो इसमें लास्ट के डिजिट क्या है, सब में 0 है, 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम 11th की। 11th से डिवीज़न अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी नंबर है जैसे 3 2 5 6, अब हमें देखना है कि वहाँ से लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करो, ये वन प्लेस है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स को ऐड कर लो। ठीक है, यानी कि ये 6 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ ऐड होगा, और 5 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ ऐड होगा। तो 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 आ गया। अब दोनों को माइनस कर दो, 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि 0 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 0 इज़ डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स, सो यहाँ पे 0 आ गया, 0 जो है 11 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 11 से ये नंबर डिविजिबल होगा। ओके, अब एक दूसरा नंबर चेक करते हैं। तो हमने किया क्या है बच्चों, ओड नंबर्स वाले नंबर ऐड कर लिए, इवन नंबर्स वाले नंबर ऐड कर लिए, दोनों को ऐड करके दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया आपस में। सब्सट्रैक्ट करने पे जो नंबर आता है अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो
हमारा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा और थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इजीली क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये कोई नंबर लिया हमने, तो देखो इसको इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 + 7 + 5 + 3 + 1 कितना हो गया बच्चों, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25। अब दूसरे जो बचे हुए उनको ऐड कर दो, उनको ऐड करने पे क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 ये कितना आ गया, 6, 6, 12, 12, 8, 20 आ गया, दोनों का डिफरेंस कर दो, 20 ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करो तो कितना आया बच्चों, 5 आया। क्या 5 11 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 दी है, 3.3 में क्या है, उन्होंने एक टेबल दिया है और टेबल दे के नंबर दिए है, नंबर में पूछा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, उसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हुए आप उसमें जो है उस टेबल को फिल कर सकते हो। एक्सरसाइज आपकी 3.3 दी गई है। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। डे 3 बहुत ईजी है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।